हेलो दोस्तों, अगर आप भी आउजा के एम्पलीफायर लेना चाहते हैं तो इस वीडियो में आपको आउजा के सभी डबल चैनल एम्पलीफायर का प्राइस लिस्ट जानने को मिलेगा और आउजा ने कुछ नया एम्पलीफायर भी लॉन्च किया है तो उसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा और साथ ही आपको कौन सा एम्पलीफायर कितना वाटेज का आउटपुट देता है, कितना ओम्स में, इसके बारे में भी आपको जानने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा पहला एम्पलीफायर होने वाला है जिसका मॉडल नंबर LX1400 है और इसका पावर 2 ओम्स में 675 वाट पर चैनल मिलता है और 4 ओम्स में 475 वाट पर चैनल मिलता है और 8 ओम्स में 250 वाट पर चैनल मिलता है और इसका वेट हो जाता है 14 kg 700 ग्राम और इसका एप्रोक्स प्राइस होने वाला है 24,000 से 25,000 के बीच में, आपको इजिली मार्केट में मिल जाएगा। और अगला हमारा एम्पलीफायर होने वाला है जिसका मॉडल नंबर LX2000 है और इसका पावर 2 ओम्स में 1000 वाट पर चैनल मिलता है और 4 ओम्स में 700 वाट पर चैनल मिलता है और 8 ओम्स में 400 वाट पर चैनल मिलता है और इसका वेट हो जाता है 21 kg 900 ग्राम और इसका अप्रूव प्राइस होने वाला है 30,000 से 31,000 के बीच में, इजीली आपको मार्केट में मिल जाएगा। और हमारा अगला एम्पलीफायर होने वाला है जिसका मॉडल नंबर LX2400 होने वाला है और इसका पावर 2 ओम्स में 1200 वाट पर चैनल मिलता है और 4 ओम्स में 850 वाट पर चैनल मिलता है और 8 ओम्स में 600 वाट पर चैनल मिलता है और इसका वेट हो जाता है 28 kg 700 ग्राम और इसका एप्रोक्स प्राइस होने वाला है 34,000 से 35,000 के बीच में, आपको इजीली मार्केट में मिल जाएगा। और हमारा अगला एम्पलीफायर होने वाला है जिसका मॉडल नंबर LX3200 जो कि ये एम्पलीफायर बहुत ही फेमस एम्पलीफायर है टॉप बजाने के लिए और इसका पावर 2 ओम्स में 1600 वाट पर चैनल मिलता है और 4 ओम्स में 1100 वाट पर चैनल देता है और 8 ओम्स में 700 वाट पर चैनल मिलता है और इसका वेट हो जाता है 33 kg और इसका एप्रोक्स प्राइस होने वाला है 40,000 से 42,000 के बीच में, आपको मार्केट में मिल जाएगा। और हमारा अगला एम्पलीफायर होने वाला है जिसका मॉडल नंबर DX3502, ये दोस्तों बहुत ही पावरफुल एम्पलीफायर है, इसमें आप थोड़ा ज्यादा लोड देके भी चला सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत होने वाला नहीं है और इसका पावर 2 ओम्स में 1750 वाट पर चैनल देता है और 4 ओम्स में 1200 वाट पर चैनल देता है और 8 ओम्स में 700 वाट पर चैनल देता है और इसका वेट हो जाता है 37 kg 500 ग्राम और इसका एप्रोक्स प्राइस होने वाला है दोस्तों 46,000 से 48,000 के बीच में, आपको मार्केट में मिल जाएगा। और हमारा अगला एम्पलीफायर होने वाला है जिसका मॉडल नंबर LX4500, ये एम्पलीफायर भी दोस्तों बहुत ही फेमस एम्पलीफायर है, इसे आप टॉप के लिए यूज कर सकते हैं, इसे टॉप के लिए बहुत ही अच्छा माना जाता है और इसका पावर होने वाला है 2 ओम्स में 2250 वाट पर चैनल मिलता है और 4 ओम्स में 1550 वाट पर चैनल मिलता है और 8 ओम्स में 1000 वाट पर चैनल मिलता है और इसका वेट हो जाता है 36 kg 500 ग्राम और इसका एप्रोक्स प्राइस होने वाला है दोस्तों 50,000 से 52,000 के बीच में मिल जाएगा। हमारा अगला एम्पलीफायर होने वाला है जिसका मॉडल नंबर LX6000 है, इस एम्पलीफायर को आप बेस बजाने के लिए यूज कर सकते हैं या फिर आप हेवी वोल्टेज के टॉप को बीच में बजा सकते हैं और इसका पावर 2 ओम्स में 3000 वाट का आउटपुट पर चैनल मिलता है और 4 ओम्स में 2000 वाट का आउटपुट पर चैनल मिलता है और 8 ओम्स में 1300 वाट का आउटपुट पर चैनल मिलता है और इसका वेट हो जाता है 39 kg और इसका एप्रोक्स प्राइस होने वाला है दोस्तों 62,000 से 64,000 के बीच में, आपको मार्केट में मिल जाएगा। और हमारा अगला एम्पलीफायर होने वाला है जिसका मॉडल नंबर LX7600 है, ये आउजा का सबसे हेवी वाटेज का एम्पलीफायर है दोस्तों, इसमें भी आप हेवी वाटेज के बेस या फिर हेवी वाटेज के टॉप को इसमें चला सकते हैं और इसका पावर आउटपुट 2 ओम्स में 3800 वाट पर चैनल मिलता है और 4 ओम्स में 2600 वाट पर चैनल मिलता है और 8 ओम्स में 1600 वाट पर चैनल मिलता है और इसका वेट हो जाता है 39 kg 500 ग्राम और इसका एप्रोक्स प्राइस होने वाला है दोस्तों 72,000 से 74,000 के बीच में, आपको मार्केट में मिल जाएगा। हमारा अगला एम्पलीफायर होने वाला है दोस्तों जिसका मॉडल नंबर HDA7002 है, ये आउजा का न्यूली लॉन्च एम्पलीफायर है दोस्तों और इसका पावर 4 ओम्स में 2400 वाट पर चैनल मिलता है और 8 ओम्स में 1350 वाट पर चैनल मिलता है और इसमें 2 ओम्स का कोई ऑप्शन नहीं दिया गया है दोस्तों, क्योंकि ये क्लास डी का एम्पलीफायर है और इसका डैम्पिंग फैक्टर 1000 होने वाला है। तो इस एम्पलीफायर में आप पंच और वाइब्रेशन के लिए बेस या फिर टॉप को यूज कर सकते हैं और इसका वेट हो जाता है दोस्तों 22 kg 100 ग्राम और इसका एप्रोक्स प्राइस होने वाला है दोस्तों 61,000 से 62,000। और अगला एम्पलीफायर होने वाला है जिसका मॉडल नंबर XDA5002 और इसका पावर 4 ओम्स में 1800 वाट पर चैनल मिलता है और 8 ओम्स में 1100 वाट पर चैनल मिलता है, इसमें भी आपको 2 ओम्स का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है दोस्तों, क्योंकि ये क्लास डी का एम्पलीफायर है और इसका डैम्पिंग फैक्टर 1000 होने वाला है। इस एम्पलीफायर का दोस्तों आउजा ने अभी तक प्राइस रिवील नहीं किया है, तो जैसे ही इसका प्राइस रिवील हो जाता है मैं आपको बता दूंगा। और हमारा अगला एम्पलीफायर होने वाला है आउजा का
XDA3002 और इसका पावर 4 ओम्स में 1200 वाट पर चैनल मिलता है और 8 ओम्स में 700 वाट पर चैनल मिलता है। इसमें भी दोस्तों आपको 2 ओम्स का कोई ऑप्शन नहीं मिलता है क्योंकि ये क्लास डी का एम्पलीफायर है और इसका डैम्पिंग फैक्टर 1000 होने वाला है। इस एम्पलीफायर का भी दोस्तों आउजा ने अभी तक प्राइस रिवील नहीं किया है, तो जैसे ही इसका प्राइस रिवील हो जाता है मैं आपको बता दूंगा। तो दोस्तों आपने जितने भी एम्पलीफायर का प्राइस लिस्ट देखा वो सब अप्रोक्स प्राइस होने वाला है दोस्तों, क्योंकि अलग अलग मार्केट के हिसाब से सभी एम्पलीफायर का प्राइस थोड़ा बहुत ऊपर नीचे हो सकता है। तो आप अपने मार्केट के हिसाब से थोड़ा प्राइस एडजस्ट कर लीजिए। अगर वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और डीजे वाले भाइयों को इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए जो अभी आउजा के एम्पलीफायर लेने वाले हैं। तो चलिए किसी नए वीडियो में मिलते हैं।